अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम 3D बैलून टेक्चर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा मुनफरद होगा पहले की नस्बत। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से हम इसको तैयार करते हैं। ये हमारा रोज़ कलर है, तो इसमें हमने 2 से 3 शेड इस्तेमाल करने हैं। तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह इसको 3D और अंदाज से करेंगे। एक और नया तरीका इख्तियार किया उसका, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत ही इजी और सिंपल उसका तरीका है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने 2 से 3 शेड्स ले ली हैं। ये एक है ब्लू कलर और दूसरा है रोज़ और तीसरा जो है हमारा येलो कलर आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और हल्का सा टच उसमें वायलेट का देंगे। ये तीनों कलर हम इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो इसमें हम मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल लेना इसको, बिल्कुल एक ये देखें इसको। अब हम इस शेड को पहले अप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से 3 जगहों पर इसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर लेना है सबसे पहले। एक दफ़ा लगाकर इसको छोड़ देंगे, तो फिर से एक बार इसको दोबारा रिन्यू करना है। पहले हम जो कलर लगाने हैं वही उन्हीं को हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं, तो बाद में जो है वो अपनी अपनी जगह पे दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा। ये जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा हल्का टच देंगे। अब ये येलो का जो शेड है इसको 2-3 जगहों पर एडजस्ट इस तरह से इसको कर लेंगे। ये शेड होता है लाइट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट में जो है वो न्यू एक्टिविटी देनी होती है, और लाइट भी इसमें देखें, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस देनी है और लाइट देना है। ये तीनों शेड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमने ये पर्पल का भी एडजस्टमेंट करना है। इस तरह से हमारा ये जो कलर का अपने प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से रिन्यू करेंगे। लेकिन जो भी शेड लगाने हैं उनको रिन्यू लाजमी करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये जो जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो बहुत सारा मसला बन जाता है, तो इसलिए इसको दोबारा से 2 से 3 मरतबा कम से कम अप्लाई लाजमी करें, जो कि इसमें खुश्की पैदा ना हो। बॉल है इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये बड़े बड़े ये दायरे बना लेने हैं, ये अलग अलग बनाएंगे तो ये मल्टी शेड में आ जाएंगे। इसको 3D भी तो कुछ अलग से नए अंदाज के साथ इसको 3D करेंगे। ये जस्ट पहले हमें ये बैकग्राउंड बनाना है इसका, आप ये जहन में मत रखा करें कि ये जो हर दफ़ा फुटबॉल ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो भी तरीके होते हैं सब डिज़ाइन का अलग अलग से तरीका होता है इसका, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना लाजमी पसंद करता हूँ कि आप तक भी ये डिज़ाइन पहुंच जाए। ये देखो कितना प्यारा ये डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो रहा है। इसके बाद जो है इसको मज़ीद भी 3D करेंगे। इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो बहुत ही कमाल का है। तो इसके बाद जो है हमने ये जो एक गैलन या बाल्टी का कैप ले लेना है, ढक्कन जो होता है, तो एक ये ब्रश ले लेंगे हम, तो इसको हमने इस तरह से रखकर इसकी आउटलाइन करेंगे। इस तरह से इसमें जो कोई भी आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने तो इसको जो रोज़ कलर है वो लगाया, आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। सर्कल लगाने को तो वैसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट जो इसकी क्वालिटी है, एक्यूरेट है कि इसका सर्कल जो बिल्कुल पूरे जाविये पे आएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये 3 बड़े लगा लिए और 1-2 छोटे भी लगा लेते हैं। ये जो छोटे साइज़ का जो कैप है, ढक्कन है, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। मुकम्मल तौर पे फ़िलहाल मैं आपको यहीं तक कि इसका तरीका बता देता हूँ, तो बाकी तो ये मुकम्मल तौर पे करना होता है। जितना आपका हमारा ये जाविया है, डिज़ाइन है, उसको उतना ही करना है। तो अब इस कलम की मदद से हम इसको जस्ट इस तरह से करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ले चलेंगे और इधर से फिर अंदरली साइड जो है, अंदर वाली साइड इसको ऐसे शुरू कर देना है। इसमें अगर आप और कलर का इस्तेमाल करना चाहें, ब्लैक या वाइट कोई भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर उसी कलर के साथ आप इसको रखना चाहें तो काफ़ी ये हो सकता है, बिल्कुल ईजी हो सकता है। लास्ट में ये इसे इस तरह से करते हैं। इसी तरह से ये छोटा कलर पहले अंदर वाला लगाना है तब भी ठीक है, अगर बाहर का लगा लेंगे तो तब भी ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे इसकी जो गोलाई शेप है, जैसे नीचे की तरफ आती जाएगी इसको बड़े करते जाना है, जैसे साइड होल होता जाएगा तो इसको छोटा करते जाएंगे। बिल्कुल आपको 3D का इफेक्ट देगा। इसी तरह से ये सारे के सारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो कंप्लीट हो गया है, तो इसको दोबारा से फिर ये जो अगर तो फ्री हैंड आप लगा सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट। अगर नहीं तो आप दोबारा से इसी टैब को ऊपर रख कर इसको एक बार फिर से आप कलम ऊपर चला सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है। तो इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जैसे ही आप दूर से देखेंगे तो बिल्कुल आपको रियल 3D का इफेक्ट देगा ये। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।